सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वही हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। आज का पंचांग 17 मार्च 2024 दिन रविवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि, रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र शाम 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:03 से 6:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 17 मार्च 2024 दिन रविवार, आज आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत और संतुलन से बचें। कोई भी जोखिम लेने में संकोच न करें क्योंकि इनका परिणाम चमत्कारी रहेगा। धन से जुड़े हुए विषय आपकी सुस्त जिंदगी में उत्साह लाएंगे। मौके संयोग या भाग्य जिसमें भी आपका विश्वास हो आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दुगना कर देगा। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। कुछ भी चमत्कारी भरे काम को करने से बचें। मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों से दूर रहें। आप आज प्रेम पूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। अपने नौकरी से चिपके रहिए और दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि वे आकर आपकी मदद करेंगे। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा। आज के दिन नई शुरुआत के लिए भी बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे ढकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी ने अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सलाह को जरूर आत्मसात करें। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे आज वो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकती हैं। कोई यात्रा भी संभव है, ध्यान रखें। पैसों का इस्तेमाल सोच समझकर करने की जरूरत है। अचानक से बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल सोच समझकर ही करें। जीवन में स्थिरता पाने का मौका आपको मिलेगा। अपनी गलतियां सुधारने पर ध्यान दें। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। अटका हुआ पेमेंट भी वापस मिलेगा। पार्टनर की सूचनाओं पर ध्यान जरूर दें। बदन दर्द और बुखार बदलते वातावरण की वजह से हो सकता है। आज के दिन आपके लिए दिनचर्या में किसी बदलाव को करने के लिए भी रहेगा। आप अपने दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाकर शारीरिक कष्टों को दूर कर सकती हैं, लेकिन आपको माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालना होगा। पारिवारिक बिजनेस में नुकसान होने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपके मनमाने व्यवहार के कारण परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी को धन देने से बचे नहीं तो बाद में इससे कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी कानूनी मामले में आप सावधानी बरतें। सावधानियां, कोई भी व्यक्तिगत निर्णय लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम ले। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। पड़ोसियों तथा किसी अनजान व्यक्ति के साथ मतभेद में न उलझें, व्यर्थ की परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। बच्चों की किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी रह सकती है, परिस्थितियों को संभालें। आप और आपके साथी के लिए आज जीत की स्थिति बनी हुई है। आपकी कामुक भावना आप पर हावी है, जिसके कारण आप मजबूर हैं।
इसी तरह के आग दूसरे तरफ भी विद्यमान है। सचेत रहें और पूछें, आप निराश नहीं लौटेंगे। सिर्फ एक छोटी सी कोमल और देखभाल वाली दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे भी आप एक समझदार साथी हैं। आज आप अपने जरूरी कामों या फोन कॉल आदि में व्यस्त रहेंगे, अपने दिल के हाथों खुद को असहाय महसूस करेंगे। ऐसे में अपनी साथी को लेकर पॉजिटिव होना कोई अनोखी बात नहीं है। किसी करीबी की बीमारी का पता लगने से माहौल थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। अब समय है अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करने का, और वो आपके लिए एक अच्छे सलाहकार के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत भी साबित होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी खास से मुलाकात होगी। सबसे पहले उसे अच्छे से जाने और उसके बाद रिश्ते की शुरुआत करें। कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकाल ली। बात करते हैं करियर की। आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम आपको जल्दी ही मिलेगा, जो आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। अपने मानसिक शक्तियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकती हैं। ऐसा कुछ घटित हो सकता है जो बहुत अजीब या अतार्किक हो, लेकिन देखा जाए तो ये जीवन ही अपने आप में रहस्यमय है। जोखिम लेने में शर्म न करें, और जैसा आप परिणाम चाहते हैं वैसा काम करने के लिए तैयार रहें। जैसा हम खोजते हैं वैसा ही हमें मिलता भी है। आप अपने करियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। यह आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा, और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपके आय में अगले कुछ दिनों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु कार्य क्षेत्र में गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। ध्यान रखें, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से कर्मचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है। नौकरी में नई संभावनाएं मिलेगी, साथ ही कार्यभार भी बढ़ेगा। सुबह मन प्रसन्न भी रहेगा, बड़ी सफलता मिल सकती है, आय भी अच्छी रहेगी। दोपहर में चिंता बढ़ सकती है, अड़चने भी आएगी, डिप्रेशन हावी हो सकता है, अज्ञात भय चिंता रहेगी। कई कामों में बधाई आ सकती है, नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, शाम से पुनः बेहतर स्थिति में रहेंगे, काम की अधिकता भी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आप काफी संवेदनशील हैं, और आपका पाचन तंत्र भी। जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता, तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है। आपको इसी कारण उल्टी और दस्त हो सकती है। अगर आप संभले नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें। आज का उपाय। आज आप गरीबों को तांबे से बनी वस्तुओं का दान करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।